हेलो फ्रेंड्स, हेलो ईवी मैकेनिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ई रिक्शा और ई बाइक से रिलेटेड रिपेयरिंग वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, आज हमारे पास एक इंडियन मेड चार्जर आया हुआ है जो हमारे स्टूडेंट का ही है। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आसानी से दूर भी किया जा सकता है। मैं वो प्रॉब्लम भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसका एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए जिसे आपको भी कुछ ना कुछ फायदा हो और आपको सीखने का मौका मिल सके। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये इंडियन मेड है, एक इंटेलिजेंट जो कि लोकल मेड भी कहा जा सकता है। यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर मेड इंटेलिजेंट बैटरी ई रिक्शा चार्जर लिखा हुआ है। तो इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से सेक्शन इसमें होते हैं और उसकी क्या पहचान है। यानी ये पूरे बोर्ड के अंदर जितने भी सेक्शन होते हैं और उसके मुख्य कंपोनेंट के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। और ये जो सर्किट है कैसे काम करता है इसकी भी हल्की फुल्की इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी, जिसे फायदा ही होगा कि अगर आपको कभी इस तरह का चार्जर आए तो बड़ी आसानी से आप उस सेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप किसी भी तरह का चार्जर या कंट्रोलर को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो आप जरूर यहाँ पे जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं, इसके इंटरनल के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से सेक्शन कहाँ पर है, उसकी पहचान कैसे है और उसका काम क्या है। आइए मेन बोर्ड पे चलेंगे और मेन बोर्ड पे मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब आपको ये पूरा बोर्ड दिख रहा होगा। पहले मैं अपने स्टूडेंट से कहूँगा कि इसे खोलें और खोलने के बाद ये पूरी जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो के अंदर कि कौन सा सेक्शन कहाँ है और इस पे लगे मेन कंपोनेंट के नाम भी जानेंगे और उसका छोटा फंक्शन भी जानेंगे। तो पहले आप लोग खोलिए इसे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी हद तक खुल गया है, बस यहाँ पर कनेक्शन हमें हटानी पड़ेगी इस फ्यूज का, जिसे इजी निकल जाएगा। आप यहाँ से खोलिए। दोस्तों, ये बाहर निकल चुका है। अब क्योंकि आसानी से आपको मुझे सब कुछ दिखाना है और समझाना है, इसलिए मैंने इसे खोला है। अब ये एक तरह से लोकल मेड कहा जा सकता है, इंडिया में ये बना हुआ है। और आप चाहें तो इस तरह का चार्जर भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, इजी वे में ये तैयार हो सकता है और मार्केट में आप इसे बेच भी सकते हैं। अगर इस तरह की भी जानकारी चाहिए तो आप एक बार मल्टीटेक जरूर ज्वाइन करें। तो आइए जानते हैं दोस्तों, इसमें मेन मेन सर्किट कहाँ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 220 वोल्ट एसी इनपुट, जो कि अभी अभी मैंने यहाँ से खोला है, 220 वोल्ट एसी इनपुट दी जाती है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये हीट सिंक के साथ ब्रिज लगा हुआ है, तो ब्रिज पर ये वोल्टेज जाता है। बीच में आरएफ क्वाइल लगा हुआ है और साथ साथ में जो कि आरएफ क्वाइल है सीरीज में लगा हुआ होता है और डिस्टॉर्शन फिल्टर कैपेसिटर्स, उसके बाद ब्रिज पर ये सप्लाई जाती है। जैसे मैं उलट के दिखाऊं अगर, तो ये इधर है
आप देखिए 220 इन दोनों टर्मिनलों पे आएगा और फिर 300 वोल्ट डीसी बन जाएगा और ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है, यानी यहाँ पे आपको 300 वोल्ट डीसी मिलने लगेंगे। और ये दोनों जो पोलराइज कैपेसिटर्स हैं, जिसे मेन फिल्टर कैप्सर भी कहा जाता है, जो कि पैरेलल में भी जोड़ा गया है, इस तरह से ये 300 वोल्ट अगर इस ट्रैक को लेके चलूं तो यहाँ पे 300 वोल्ट मिलेगा। और एक स्विचिंग मॉसफेट है ये, तो स्विचिंग मॉसफेट एक यहाँ लगा हुआ है और एक और दूसरे जगह यानी इस हीट सिंक पे लगा हुआ है और एक दूसरा मॉसफेट यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे कि आप देखें। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि एक मॉसफेट यहाँ है और फिर दूसरा मॉसफेट यहाँ है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 300 वोल्ट मिलेगा और इस टर्मिनल पे 150 वोल्ट मिलना चाहिए। और अब ये हम प्राइमरी हिस्से में आ रहे हैं। ये जो एसएम ट्रांसफार्मर है, जैसा कि आप ये देखिए, ये एसएम ट्रांसफार्मर कहलाता है, जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल है और इसका अपोजिट सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग इस साइड। अब सवाल उठता है कि इसका काम क्या है। जब इसके गेट पे पल्स मिलेगा तो ये स्विचिंग मॉसफेट काम करेंगे बारी बारी से, जिसे एसएम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में एसी बन जाएगा और सेकेंडरी में भी एसी बनता है। अब आते हैं इस साइड की तरफ कि ये सब क्या है। मैंने इसके बारे में यानी स्विचिंग मॉसफेट के बारे में बता दिया है, एसएम ट्रांसफार्मर के बारे में बता दिया। ये आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का एक कैपेसिटर है, जिसे ऑसिलेशन डिवाइडर कैपेसिटर कहते हैं। उसके बाद आप इसकी बात करेंगे तो ये रिले है, जो कि डीसी रिले है, यानी ये डीसी मोड में काम करेगा बैटरी जोड़ने के बाद। और उसके बाद चलें यहाँ पे, तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो टर्मिनल है इस साइड में लगा हुआ, जो कि एसएम ट्रांसफार्मर के साइड में लगा हुआ था, तो ये स्विचिंग हो गया और उसके बाद अपोजिट चले जाएंगे तो ये आउटपुट डायोड या सर्किट डायोड है, जो कि इस साइड में सेकेंडरी है। सेकेंडरी का एक टर्मिनल ये मोटा सा ट्रैक है, ये एनोड टर्मिनल है, और फिर ये सेकेंडरी का वायल है या सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये दूसरा टर्मिनल आपको यहाँ पे पहुँचा है सर्किट डायोड के एनोड पर, और कैथोड से डीसी वोल्टेज आउट हो जाएगा। और फिर डीसी वोल्टेज आने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये वाला टर्मिनल, यहाँ से यहाँ क्या लगा है, क्वाइल। देखने में तो ये ट्रांसफार्मर की तरह है, ऐसा लग रहा है कि एसएम ट्रांसफार्मर है ये वाला, हालांकि ये एसएम ट्रांसफार्मर नहीं है, ये क्वाइल है। लेकिन कई बार क्या लोग इसे कह देते हैं ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर नहीं है, ये आउटपुट क्वाइल या आउटपुट चौक क्वाइल कहलाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ इसका कनेक्शन है सीधा। फिर आपको ये बैटरी पे चली गई है, जो कि निगेटिव से जुड़ा हुआ है, यानी बैटरी के माइनस से जुड़ा हुआ है। अब इसी के साथ साथ आप इस वाइंडिंग से एक, यानी इसी क्वाइल में एक और क्वाइल जोड़ दिया गया है, जो कि यहाँ से कुछ ना कुछ वोल्टेज निकाल देगा, और निकालने के बाद ये एसी वोल्टेज को डायोड के द्वारा अनप्योर डीसी और इस फिल्टर कैपेसिटर के द्वारा प्योर डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इस टर्मिनल पर लगभग 12-13 वोल्ट मिलने लगेगा। ये एक रेगुलेटर आईसी है 7805, यानी 12-13 वोल्ट इसके एक नंबर पिन में मिलेंगे और फिर ये वोल्टेज आउट हो जाएगा। और फैन के रूप में भी, अगर 5 वोल्ट का फैन है तो 5 फैन को चलाने लगेगा, और अगर 12 वोल्ट का फैन है तो यहाँ पे ये नंबर बदल जाता है, 78-12 का यूज किया जाता है, जिसे पंखा चलाने का काम कराया गया है। यहाँ पे 5 वोल्ट का फैन लगा हुआ है तो 5 वोल्ट मिलेंगे, 78-12 की जगह पर 78-L05 का प्रयोग होगा या 78-05 का प्रयोग होगा, और अगर 12 वोल्ट है तो 78-12 का यूज किया जाएगा। उसके बाद चलते हैं इस टर्मिनल की तरफ,
जैसे यहाँ पे आप देखिए कि कुछ रेसर जो कि लो वैल्यू रेसर है, ये पैरलर में, ये रेसर जो है पैरलर में जुड़ा हुआ है, लो वैल्यू रेसर बहुत सारे जोड़े गए हैं। एकर से ये संट का काम करेगा, ये हम कह सकते हैं संट रेसर की तरह काम बिहेव करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसको कि ये है क्या। आप देखिए फुली डिफरेंट टाइप का ये दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये रिले जैसा है कोई कंपोनेंट, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रिले नहीं है, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। यानी जिस तरह से ड्राइवर ट्रांसफार्मर दूसरे चार्जर के अंदर होता है, तो यहाँ पे स्वरूप बदला हुआ है, इसका शक्ल बदला हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आएंगे, हर चार्जर के अंदर अलग अलग डिजाइन के कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। आपको काबिलियत ये है कि उसे आप पहचान सकें। तो मैं ये कैसे पहचान पाता हूँ, क्योंकि मैंने हजारों चार्जरों को देख चुका हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है कि वो कंपोनेंट क्या है। अब सिंपली ये क्या है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर, इसके प्राइमरी वाइंडिंग भी होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग भी हैं। तो ये देखिए, ये जो दो तार हैं ये प्राइमरी वाइंडिंग कहा जाएगा, और इधर चार तार हैं ये सेकेंडरी वाइंडिंग कही जाएगी, ये वाली सेकेंडरी और इधर प्राइमरी। उसके बाद ये आप चार ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, दो प्लस दो यानी चार, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। और यहाँ पे एक आईसी लगी है जो ओसिलेटर आईसी कहलाएगी, जिसका नंबर है SG3525, जो कि ओसिलेटर आईसी है। उसके बाद यहाँ पे दो प्रीसेट यूज किया गया है जो वोल्टेज और एम्पियर को एडजस्ट कर सकता है, वो लगाई गई है। साथ ही साथ एक और आईसी का प्रयोग किया गया है जो LM324 आईसी यहाँ पर यूज किया गया है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये लॉजिक कार्ड, ये लॉजिक कार्ड आप देख रहे हैं, ये लॉजिक कार्ड बनाई गई है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस लॉजिक कार्ड के ऊपर कोई जो आईसी यूज की गई है, लॉजिक कार्ड के ऊपर जो आईसी यूज की गई है, इस आईसी का नंबर नहीं दिख रहा। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका नंबर मिटा हुआ है, किसी ने इसका नंबर मिटा दिया या कंपनी ने यह नंबर पूरी तरह से मिटा दिया है। ऐसा इसलिए उसने किया है कंपनी वालों ने कि केवल ये रिपेयरिंग कंपनी वाले ही बंदे कर सकें या कंपनी वाले इंजीनियर्स या टेक्नीशियन कर सकें, इसलिए ये नंबर मिटा दिया गया है। अगर ये नंबर मिल गया और बाय द वे अगर ये खराब हो गया है तो हम इसको कैसे बदलेंगे, इसका नंबर कैसे पता करेंगे, ये बहुत ही मुश्किल सा सवाल है। लेकिन हमारे पास कोई भी मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि मैं इसके नंबर को आसानी से जान सकता हूँ कि ये क्या नंबर है, भले इसका नंबर मिटा दिया गया हो। तो इसके भी ट्रिक हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि अगर किसी आईसी का नंबर मिटा दिया जाए तो कैसे जानेंगे, कोई ट्रांजिस्टर खराब हो गया हो और आपके पास ना हो तो उसके जगह पर कौन सा लगेगा, ये सारी जानकारी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से दिया जाता है। तो इसका नंबर भी हम लोग बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, लेकिन इसका ट्रिक होनी चाहिए और बताने वाले के पास अनुभव भी होना चाहिए, तब ये संभव है, अदरवाइज नहीं। और ये संभव तब होगा जब आप हजारों तरह के चार्जर्स या हजारों तरह के सर्किट का आइडिया रखते हैं, तो बड़ी आसानी से इसके नंबर को पहचान सकते हैं, जो कि जरूरत पड़ने पर हम इसका नंबर भी आराम से आपको बता देंगे। उसके बाद अब ये पूरे मेन कंपोनेंट आपको मैंने बता दिया है, इस साइड में कोई भी ऐसी आईसी नहीं लगाई गई है जिसे के बारे में मैं आपको बताऊं, तो ये सारे कंपोनेंट मैंने बता दिया। लास्ट में थोड़ा सा और बता दूं इसी पर, जैसे यहाँ पे एक प्रीसेट लगाई गई है, ये प्रीसेट लगाई गई है, इस प्रीसेट से हम इसके डिस्प्ले के साइज को, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह अगर कोई बनता है या एलईडी वगैरह है लगी हुई है जो चार्जिंग के रूप में, अगर यहाँ पे डिस्प्ले लगा होगा तो डिस्प्ले को एडजस्ट किया जा सकता है या वोल्टेज को एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले का यूज नहीं किया गया है, बहुत सारे जगहों पे यहाँ डिस्प्ले का प्रयोग किया जाता है, 7 सेगमेंट कहते हैं उसमें भी यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एलईडी के द्वारा स्टेटस को शो कराया गया है। लास्ट में मैं आपको फाइनल बताऊं कि इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है,
जिसे एम्पियर इसका प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। बाकी ये चार्जर ऑन हो चुका है, हमारे स्टूडेंट ने ही लाया था। तो आप देखिए, अगर कभी भी एम्पियर बने लेकिन वो कम बने तो आपको ये आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर चेंज कर देना चाहिए। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि हल्का सा ये फूला हुआ है, स्वेलिंग किया हुआ है कैपेसिटर है, जो आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर से ये इसकी जो हाइट देखिए और इसकी थोड़ी सी ये ओवरी सी नज़र आएगी, तो ये फूला हुआ है। अगर हम इसे चेंज कर दें तो इसका एम्पियर प्रॉपर बन जाएगा। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको मेन कंपोनेंट के बारे में जानकारी दी है, साथ ही साथ में ये इसमें एक चीज़ देखा कि इसका नंबर, इस आईसी का नंबर मिटी हुई थी, तो इसके नंबर भी बड़ी आसानी से जाना जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होती है और बताने वाले के पास भी नॉलेज होना चाहिए, तो बड़ी आसानी से इसके नंबर भी पढ़े जा सकते हैं। तो अगर आप इसी तरह के टेढ़े क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं कि अगर किसी आईसी का नंबर मिटा दिया जाए तो उसके नंबर कैसे पढ़ते हैं या कैसे जानते हैं, क्या तरीका है, तो आप हमसे ज़रूर आके मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, कैपेसिटर्स या ट्रांसफार्मर खराब हो गया है तो ट्रांसफार्मर को कैसे मैच कराएं, ट्रांजिस्टर को कैसे मैच कराएं, रजिस्टर का वैल्यू अगर सेम नहीं मिल रहा है तो कैसे उसको हम वैल्यू कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। कैपेसिटर अगर सेम माइक्रोफैराड का, सेम नैनोफैराड का, सेम किलोफैराड का नहीं मिल रहा है तो उसके जगह पे कौन सा कैपेसिटर लगाना है। अगर कोई रिले नहीं मिल रहा है तो उसका कैसे कनेक्शन किया जाए जो वो रिले काम कर सके। इस तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो मल्टीटी एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, जिससे आपको अच्छी तरह से जानकारी मिलेगी। लेकिन शर्त यही है कि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा, जिसे आप अच्छी तरह से सीख के यहाँ से जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।